आपको हम कुछ कहते हैं? आप बताइए, हम आपको कुछ कहे हैं? कितना अच्छा हम लोग बातचीत करते थे, हर चीज करते थे, लेकिन अब चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सुजोग को रखेंगे। आप जो ये ऑडियो सुन रहे थे, ये पुराना ऑडियो है, लेकिन ये तस्वीर नहीं है, जो इस बात के संकेत दे रही है कि पुराना ब्रेकअप अब पैचअप में भी बदल सकता है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही विमान में बैठे नजर आए, जिसके बाद चाचा के पलटने की बात होने लगी। लेकिन ये खबर पुरानी हो गई, नई खबर और नई तस्वीर के साथ मैं हूं दिसले। दो तस्वीरें आई, एक तस्वीर उस वक्त की है जब विमान उड़ने वाला था। इसमें आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार आगे बैठे हैं, उनके बगल में एक बच्ची बैठी है और तेजस्वी यादव इस तस्वीर में पीछे बैठे हैं। दूसरी तस्वीर में जब विमान जब हवा में लहराने लगता है, वो तब की है। लहराते हुए जहाज से ये लहराती हुई तस्वीर भी आ गई। तेजस्वी यादव अपनी सीट छोड़कर नीतीश कुमार के बगल में आकर बैठ जाते हैं। नीतीश कुमार की बगल वाली सीट पर बैठी बच्ची पीछे चली जाती है। दिल्ली से पटना आने के लिए विमान के जरिए करीब 1.5 घंटे का समय लगता है। 2 घंटे के आसपास आपको विमान के अंदर बैठना पड़ता है, यानी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार 2 घंटे के लिए एक साथ रहेंगे। पहली बात तो ये, नीतीश कुमार ने बुलाया होगा, तस्वीर देखकर लग रहा है तभी तो तेजस्वी यादव अपनी सीट छोड़कर नीतीश कुमार के पास आ गए। दूसरी वाली तस्वीर, यानी तेजस्वी और नीतीश कुमार भले ही अलग अलग गठबंधन में है, लेकिन दोनों के बीच व्यक्तिगत संबंध मधुर अच्छे। और दूसरी बात यह है कि बिहार के 2 बड़े नेता आसपास बैठे हैं। जाहिर है कि दोनों के बीच केवल हालचाल तो हुआ नहीं होगा, मान लेते हैं कि दोनों ने एक दूसरे से पूछा होगा कि आप कैसे हैं, अच्छा अच्छा क्या खाए हैं, रात में कितनी नींद आई, ये सारी बातें पूछा पूछी हुई हो। लेकिन दो नेता जब साथ बैठे हैं तो राजनीति की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। यानी तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच राजनीति पर भी बात जरूर हुई है, लोकसभा चुनाव के नतीजे पर बात जरूर हुई है। अब दोनों के बीच क्या क्या बात हुई ये हम आपको नहीं, ना तो आप जानते ना हम जानते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि सियासत पर दोनों के बीच गहरी चर्चा हुई। 2 घंटे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का हवा में साथ हूँ, ऐसे में सियासत में भी नई हवा चल पड़ी है, मतलब सियासत में कुछ कमियों को हवा में ही। इस तस्वीर से भाजपा सोच में पड़ गई होगी, और चाचा का इतिहास भी यही कहता है, बदलते रहते हैं, पलटी मारते रहते हैं, इधर उधर होते रहते हैं। ऐसे में अगर NDA सरकार बना भी रहे तो 5 साल चलने की गारंटी हम नहीं दे सकते। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, अभी मारेंगे या फिर सरकार बनाने के बाद मारेंगे या फिर NDA के साथ ही रहेंगे? आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए।